Hey, what's up everybody? My name is Karan and welcome back to my channel again. My channel name is Exam Duffy. Hopefully आप लोग बहुत बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, मैं अपने का ध्यान रख रहे होंगे. ओमिक्रॉन का वेरिएंट काफी ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, उसको भी अपन लोग सब मिलके साथ में झेल ही लेंगे. तो देखो, अब आज कल अपनी जो बात हुई थी, कल के बाद अपना डिस्कशन ये होता कि अब हम लोग कुछ ब्रांच को डिटेल्स में एनालिसिस करना चाहेंगे, क्योंकि अब बहुत सारी ब्रांचेस ऐसी हैं जो कुछ साल से नहीं आई हैं, तो बहुत सारे बच्चों को उसके बारे में पता नहीं है. तो मेरी कोशिश क्या रहेगी, मेरी कोशिश यहाँ पे ये रहेगी आप लोगों को समझाने की कि भैया जो नई ब्रांचेस जो अब आई हैं, इसका क्या इम्पैक्ट है और क्या ये ब्रांचेस एक्चुअली कहना चाह रही हैं हमसे. तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो सबसे पहले मैं कुछ चीजें आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे सारी ब्रांचों को बहुत डिटेल में. तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो है अपना क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग पर हम लोग डिस्कशन करेंगे. तो लेफ्ट में हमेशा की तरह सारी चीजें दिखाता हुआ चलूंगा और थोड़ा सा ध्यान से देखते हुए चलना. सबसे ऊपर अगर आप देखोगे तो अपने टॉपिक रखा हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की जब बात आती है तो आर्टिफिशियल एंड मशीन लर्निंग का अगर आप ये देख रहे हो, यहाँ पे मैंने सबसे ऊपर रखा हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग क्या है, किस टॉपिक है, क्या क्या पढ़ना है इसमें पड़ेगा, वो सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हुए चलेंगे. चलो थोड़ा सा नीचे अगर आता हूं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग में कुछ टाइम पहले सबसे पहले सुंदर पिचाई का एक ट्वीट आया था कि सुंदर पिचाई ने कहा AI इज अ पॉसिबल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ह्यूमैनिटी हैज एवर वर्क ऑन. ठीक है कि AI, सुंदर पिचाई सर ने कहा कि AI इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि AI उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है जिसपे ह्यूमन सोसाइटी ने काम किया है. अगर आप दूसरा देखोगे स्टीफन हॉकिंग का भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, स्टीफन हॉकिंग सर का जो यहाँ पे इन्होंने दिखा हुआ है, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडेप्ट टू चेंज. मतलब इंटेलिजेंस क्या है, द एबिलिटी टू अडॉप्ट टू चेंज. मतलब देखो जैसे सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम आ रहा है, तो यही सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस का काम है. तो ये दूसरी चीज हो गई. अब देखो इवोल्यूशन किसे कहा जाता है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग की जरूरत क्यों पड़ी, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, पहले अगर आप लोगों को शायद नहीं पता होगा तो सबसे पहले क्या होता था कि वायर्ड कनेक्शन आते थे, बल्कि से होते थे, सबके घर में तार बिछी होती थी और तार बिछने के बाद अपने पास क्या होता था, अपने पास ये फोन जैसा सिस्टम हुआ करता था. ठीक है, उसके बाद हम लोग आ गए किस पे आ गए, उसके बाद हम लोग सेकेंड कंडीशन पे आ गए जिसमें हमारे पास क्या रहा, हमारे पास आज के टाइम पे स्मार्टफोन्स हैं. ठीक है, स्मार्टफोन्स हैं, कीपैड फोन्स हैं, लेकिन दे आर स्मार्टफोन्स. ठीक है, अब ये दूसरी चीज आ गई. अब इसके बाद अब फ्यूचर में हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्यूचर आप देखोगे तो सैमसंग का नया फोल्डेबल फोन, ठीक है, प्रोजेक्टर्स फोन, ट्रांसपेरेंट फोन और सोलर पावर फोन. अब की जो टेक्नोलॉजी हम लोग प्लान कर रहे हैं, वो प्लान कर रहे हैं कि हम लोग को अब सोलर फोन, मतलब बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि यार फोन डिस्चार्ज होता है क्यों ना अगर धूप से चार्ज होता, तो एक वो टेक्नोलॉजी हो गई फोल्डेबल फोन की, सैमसंग ने टेक्नोलॉजी आप लोगों ने देखी है. तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी पे अब काम हो रहा है. ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम लोग बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन में पहले हम लोग एक नॉर्मल व्हीकल आपको दिख रहा है, उसके बाद कार्स आ गई हैं और आज के टाइम पे फ्लाइंग कार्स की हम लोग बात कर रहे हैं. ठीक है, फ्लाइंग कार्स की कुछ टाइम पहले टेस्ला का या एयरबस का जो हो गया उसकी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे. तो मतलब अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में इवोल्यूशन होता जा रहा है. थोड़ा सा मैं नीचे जाता हूँ, ट्रांसपोर्टेशन पब्लिक की मैं आपको बात करता हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में मतलब थोड़ा सा किस तरीके से चेंज आया. पहले अपने पास क्या था, पहले अपने पास ट्रेन थी, ठीक है, जो किससे चल रही थी, कोयले से चल रही थी. अब जो ट्रेन है वो इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है और इन फ्यूचर हम लोग हाइपर लूप की बात करें, जिनको हाइपर लूप नहीं पता है, हाइपर लूप मतलब आपका जो पूरा एरिया है वो कवर रहेगा और पूरे हाइपर लूप की जो स्पीड एक्चुअली जो रहेगी वो लगभग रहेगी 1200 किलोमीटर के आसपास. ठीक है, तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी की हम लोग बात कर रहे हैं. ठीक है, अब एजुकेशन मेथोडोलॉजी में भी आपने चेंजेस देखे होंगे. पहले हम लोग क्या थे, ब्लैक बोर्ड वाली लर्निंग थी, आज के टाइम पे LCD स्मार्ट बोर्ड वाली है और इन फ्यूचर हम लोग वर्चुअल रियलिटी जैसे आप 3D मूवीज देखते हैं उस तरीके का एजुकेशन सेक्टर आपको देखने को मिलेगा. तो एजुकेशन सेक्टर में भी ये काफी सारे बदलाव आ गए. अब अगर मैं अपकमिंग करियर इन द न्यू एज, अब आने वाले टाइम पे आज के टाइम पे जो करियर्स जो होंगे उसके बारे में थोड़ा बात कर रहा हूँ. एक डेटा साइंस भी एक ब्रांच है, उसके बारे में हम लोग डिटेल से बाद में डिस्कशन करेंगे. बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग से मतलब क्या है कि अगर आपने कोविड की सिचुएशन देखी है, कोविड सिचुएशन में कि मतलब म्यूटेशन हो जा रहा है, मतलब जो 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 भी आपका जो मतलब जो वायरस है उसका म्यूटेशन हो जा रहा है, तो इस तरीके से बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, डेंटल हाइजीन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तो हमेशा से डिमांड है, स्टैटिस्टिकेशन, डेंटल हाइजीन, कंप्यूटर सिस्टम एनालिटिक्स और ये सारी चीजें अब इन फ्यूचर वाले जो आप देख सकते हैं, इन फ्यूचर अब इनकी बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है. अपकमिंग की बात करते हैं,
अब अपकमिंग रेवोल्यूशन कैसे आ रहा है ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर आपके आज के टाइम पे देखोगे तो डेटा एनालिसिस एक बहुत बड़ा पार्ट हो गया है। आने वाले टाइम पे ड्रोन और आने वाले टाइम पे जो वॉर होंगी उस पर भी रोबोटिक्स का यूज, और आने वाले टाइम पे 3D प्रिंटर की एक बहुत ही टेक्नोलॉजी आने वाली है, वो भी इसके बारे में भी आप लोगों ने देखा होगा। अब 4K इमेज और क्लाउड स्टोरेज, और आने वाले टाइम की जो वॉर होगी वो होगी साइबर वॉर। ठीक है, तो इस तरीके से अपन चीजों को लेके चल रहे हैं। तो अब 5 ग्लोबल फैक्टर्स न्यू एजेस, तो इसमें अगर अपन लोग देखें सब कुछ बहुत ज्यादा मतलब नहीं, को छोड़ देते हैं। अब मैं बात करता हूँ AIML की। अब हम लोग आ जाते हैं, हम लोगों ने थोड़ा सा इवोल्यूशन देख लिया है, अब हम लोग बात करते हैं AIML की। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग क्या है? इज अ वाइड रेंज ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस कंसर्न विद बिल्डिंग स्मार्ट मशीन केपेबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग टास्क टिपिकल रिक्वायर्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस। इट इज द रिप्लेस और स्टिमुलेट ह्यूमन इंटेलिजेंस मशीन। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आने वाले टाइम पे जो ह्यूमन का जो वर्क फोर्स है, मतलब बहुत ज्यादा अब ये हो जाएगा कि ये मशीन्स पे डिपेंड हो जाएगा। और मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग का मतलब है कि सेल्फ, मतलब अपने आप को जो भी आपने प्रोग्रामिंग की है उसको धीरे धीरे सीखते हुए अपने आप में इम्प्रोवाइज करना। तो ये आप समझ गए कि जैसे आपने कोई भी प्रोग्राम बना दिया वो काम कर रहा है, और मशीन लर्निंग क्या करेगी, उसको अपने आप ही इंप्रोवाइज करती हुई चलेगी। तो यहां पे अपने समझ में आ गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का क्या सिनेरियो है। ठीक है, 3 लेयर्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग की 3 लेयर उन्होंने बताई है कि एक तो कंप्यूटर सिस्टम दैट परफॉर्म द टास्क वुड बी यूजुअली रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन इंटेलिजेंस, दूसरा है मशीन लर्निंग स्टैटिक टेक्निक दैट लर्न फ्रॉम द सीरीज ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, और एक होता है डीप लर्निंग जो एल्गोरिथम से ही चीजें अपनी आप समझे। तो 3 तरीके से इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बांटा हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। तो ये 3 तरीके हो गए अपने पास। अब मैं एक बात और करता हूं, द एलिमेंट ऑफ AI। एलिमेंट क्या क्या है इसमें? मशीन लर्निंग है, एक्सपर्ट सिस्टम है, स्पीच इंटरफेरेंस है, रोबोटिक्स है, विजन है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर है, न्यूट्रल लैंग्वेज है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब आप देख रहे हैं तो आपको क्या क्या उसमें चीजें देखने को मिलेगी। थोड़ा सा नीचे जाता हूं, जब हम लोग बात करते हैं अगर एक सब्जेक्ट सेट से बात करें तो हम लोग को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मशीन लर्निंग में, तो सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग किसमें है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग और डीप लर्निंग। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी। थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, तो मल्टी डायमेंशन अगर AI की बात करते हैं, AI में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो प्लानिंग है, रोबोटिक्स है, मशीन लर्निंग है, प्रोग्रामिंग है, परसेप्शन है, और न्यूट्रल नेटवर्क। तो ये सारी की सारी चीजें आपको AI ML में देखने को मिलेगी। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस ह्यूमन इंटेलिजेंस को हम लोग देख लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर हम लोग बात करें तो क्रिएटेड बाय ह्यूमन इंटेलिजेंस और क्रिएटेड बाय नेचर प्रोसेसिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो AI ML के इतने बेनिफिट है, प्रोसेसिंग फास्ट है, हाईली ऑब्जेक्टिव है, मोस्ट एक्यूरेट है, यूज ओनली 2 वाट ऑफ एनर्जी है। और अब देखिए इसमें थोड़ा सा क्या है कि जो ह्यूमन जो ब्रेन है वो बहुत सारे काम एक साथ प्रोसेस कर सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा मशीन के साथ दिक्कत हो जाती है। दूसरा मशीन के साथ लेकिन सबसे बेनिफिट क्या है कि सोशल स्किल जैसी चीजें नहीं होती, कैसे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली यार मशीन, तो इसे अपने ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग में थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बताता हूं कि अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट डज स्मार्ट वर्क, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और अ कंसेप्ट मशीन दैट टेक डेटा एंड लर्न फ्रॉम इट। अब देखो सबसे ज्यादा डिफरेंस मैं आपको बताऊं, डिफरेंस क्या है कि एक तो आपने कोई प्रोग्रामिंग से कोई काम करवा लिया वो आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब उस प्रोग्रामिंग को धीरे धीरे इंप्रोवाइज करना तो आ गया मशीन लर्निंग की साइंस में। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं AI ML की बात करते हैं। जब भी आपने जो भी देखा होगा, सिर्फ आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात नहीं कर, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का ही प्रोग्राम आप हर जगह पाओगे, ये बात सत्य है। थोड़ा सा और नीचे जाता हूं, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस की एक ब्रांच भी बहुत ज्यादा पॉपुलर आपको देखने को मिलेगी इन फ्यूचर, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस का भी एक बहुत बड़ा आपको देखने को मिलेगा। इसको भी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, इसकी जरूरत नहीं है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहां कहां यूज हो रहा है ये मैं आपको पहले बताता हूं, सीरी में, टेस्ला में, गूगल में, और इसके अलावा ये बाकी जो बड़े ब्रांड्स हैं यहाँ पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे यूज हो रही है। ठीक है, सक्सेसफुल एप्लीकेशन ऑफ AI, अगर एप्लीकेशन की में तो टेस्ला मोटर्स को आप देख सकते हो, टेस्ला मोटर्स में स्मार्ट कार है। ठीक है, उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग है, OTT प्लेटफॉर्म में यूज हो रही है, सिक्योरिटी एंड सर्वेलेंस में यूज हो रही है, हेल्थ केयर में यूज हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रही है, लॉजिस्टिक में और ट्रांसपोर्टेशन में भी यहाँ पे सारी की सारी जो चीजें हैं ये यूज हो रही है। सम इंडस्ट्रीज एप्लीकेशन कहां कहां पे अभी यहां पे जो यूज होगा, बैंकिंग, इंश्योरेंस में, हेल्थ एंड लाइफ साइंस में, गवर्नमेंट में,
रिटेल्स में, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में और मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में ये सारी चीजें अभी भी यूज हो रही है। अगर फाइनेंशियल सर्विस की मैं बात कर लेता हूं तो एआई जो यूज होगा डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग में, प्राइसिंग में, ट्रेडिंग में और कस्टमर एक्सपीरियंस के जो फीडबैक जो लेने हैं, इस सारी चीजों में भी एआई अब यूज होगा। अब हेल्थ केयर में कहां यूज हो सकता है? हेल्थ केयर में देखो बहुत सारी रिसर्च में ये यूज होगा, साथ ही साथ क्लाउड रिसर्च द डॉक्टर बेस्ड ऑन द डॉक्टर इनपुट। एआई जो है अपने हिसाब से इन फ्यूचर की मतलब ये जो सारी चीजें हमने रिसर्च किया था क्या रिजल्ट निकलेगा, साथ ही साथ उस रिजल्ट को पुराने रिजल्ट से एनालाइज करने में और उसको इंप्रोवाइज करने में एआई एमएल भी बहुत हमारी मदद करेगा। तो अब ये कुछ चीजें हो गई जो आपको पता होनी चाहिए कि एआई एमएल एक्चुअली है क्या। अब डाइवर्सिफाइड जॉब, कंप्यूटर साइंस हो गया, अल्गोरिदम हो गया, एआई इंजीनियर हो गया, डेटा साइंस हो गया, रिसर्च साइंसिस्ट हो गया, एमएल इंजीनियर हो गया, रोबोटिक इंजीनियर हो गया और इंजीनियरिंग कंसल्टेंट हो गया। तो ये सारे जो स्कोप है ये आपके लिए यहां पे होंगे। अब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी इनकी, की रिस्पॉन्सिबिलिटी बता देता हूं कि जो बच्चा इसको ले रहा है उसकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी डिजाइनिंग मशीन लर्निंग प्रोग्राम, इंप्लीमेंटिंग ऑफ सुटेबल एआई एमएल, वर्क ऑन फ्रेम ट्रेन एंड रिट्रेन सिस्टम, फाइनिंग ट्यून्स। मतलब देखो कुल मिला के ये है कि अगर आपको किसी सिस्टम को मतलब मैनेज करने में और आपको मशीन लर्निंग में मतलब किसी चीज को लगातार इम्प्रोवाइज करने में मजा आ रहा है और आपका इंटरेस्ट है तो आपके लिए डेफिनेटली एक चीज ये हो सकती है। साथ ही साथ स्किल सेट क्या रिक्वायर्ड है, आपको जावा आनी चाहिए, डीप नॉलेज होनी चाहिए मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स की, गुड अंडरस्टैंडिंग है एल्गोरिथम में अपनी कमांड होनी चाहिए, रीजनेबल कम्युनिकेशन स्किल, तो अपनी कम्युनिकेशन भी स्किल होनी चाहिए ताकि आप अपना जो आप कर रहे हो वो लोगों को समझा सको। थोड़ा सा मैं और नीचे आ जाता हूं तो मेजर जो रिक्रूटर से मैं बताता हूं, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, साथ ही साथ इंफोसिस, एसेंचुरा, फ्लिपकार्ट, सिटी बैंक हो गया। तो दुनिया भर की कंपनीज में आपका प्लेसमेंट होने से कोई नहीं रोक पाएगा क्योंकि आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा डिमांड है। अब एक आपने प्रोग्राम सुना होगा भारत का कि मशीन आत्मनिर्भर भारत, तो मशीन लर्निंग जो है, मशीनिंग जो है आत्मनिर्भर भारत का बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, तो आप इसको भी यहां पे देख सकते हो। साथ ही साथ अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि AI ML की जो मैं बता देता हूं आप लोगों को पढ़ना क्या क्या पड़ेगा, तो मैथमेटिक्स का यहां पे सब्जेक्ट आपको दिख रहा है क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर साइंस में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा और बाकी सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आप थोड़ा सा खुद देख लेना। थोड़ा सा मैं नीचे जाता हूं, AI ML की जो सब्जेक्ट यहां पे दिया हुआ है। साथ ही साथ तो ये पूरा जो था मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है ताकि आप लोगों को एक बेटर आइडिया लग पाए कि एक्चुअली जब हम लोग चीजें पढ़ रहे हैं तो वो है क्या, क्योंकि वो पता होना बहुत जरूरी है। जब तक आपको चीजों का पता ही नहीं होगा तो आप लोग कैसे ही कुछ भी सब्जेक्ट ले लेते हैं और कुछ भी सब्जेक्ट लेने के बाद फिर होता है क्या है, बाद में पता चलता है कि यार इसमें तो मेरा इंटरेस्ट था ही नहीं, मेरा इंटरेस्ट तो किसी और में ही था, ये तो मैंने गलती से ले लिया। तो मैं आप लोगों के साथ ये नहीं चाहता हूं भाई, मैं चाहता हूं कि आप लोग जब कोई सब्जेक्ट ले रहे हो तो आपको उसको बहुत अच्छे से आपको उसके बारे में पता हो कि वो सब्जेक्ट है क्या, उसमें फ्यूचर क्या है, कौन सी ब्रांच रिक्रूट करेगी। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं हम लोग आने वाले टाइम पे और भी दूसरी ब्रांचों के बारे में डिस्कस करते हुए रहेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, जय हिंद जय भारत, एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। आप चाहें तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।